तो गांव में रेडियो टीवी तो था नहीं, अखबार वगैरह आता था, रेडियो टीवी का जमाना था नहीं, तो न्यूज कैसे मालूम होती थी, कोई खबर कैसे मालूम हो? कुछ रोज शहर से लोग आते थे शहर से लोग आते थे तो बताते थे। अच्छा, और तो कोई खबर न्यूज़पेपर नहीं आता था? नहीं, तो हम लोग सुकून से थे। ईस्ट पाकिस्तान में तो रेडियो देखा मैंने। अच्छा, ये वो भी 65 की जंग में खरीदा वो न्यूज सुनने के लिए। तो अगर न्यूज मालूम नहीं हो तो आदमी और सुकून से रहता है, कोई फिक्र अच्छा। जिंदगी थी भाई। और तो आप लोगों को कैसे मालूम हुआ कि बंटवारा हो रहा है और गोरे लोग जाने वाले हैं ये सब? ये तो वो जलसे कभी कभी होते थे ना। अच्छा। जोड़े जलसे बताते थे कि ये हो रहा। और ये तो हंगामी दौर हो गया ना कि अंग्रेज जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ जाते था वो। एक बार मदीना आता था बिजनौर। हम शफाज साहब के साथ बैठे हैं। शफाज साहब हमारे उन पाकिस्तानी सिटीजन में शामिल हैं जो 3 मुल्कों में रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में रहे हैं, फिर उसके बाद जवान होके मैट्रिक तक तालीम लेके वो इंडिया गए, और अब आखिरी वक्त जो है उन्होंने गुज़िश्ता 30-40 साल से पाकिस्तान में। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के बारे में। तो शफाज साहब, हिंदुस्तान में आप को याद है कि कहाँ पढ़े थे, किस गांव में थे? क्या मेरे गांव का नाम मेहरौना घाट है, और ये छपरा ज़िला, छपरा और गोरखपुर। अब गोरखपुर को तकसीम कर दिया गया है, अब वो ज़िला देवरिया हो गया। वहाँ एक दरिया बहता है, वो उसको छोटी गंडक कहते हैं। गोरखपुर किस है? यूपी है। यूपी है ना? जी जी, हाँ, ईस्टर्न यूपी का बॉर्डर है वो। भाई वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ। कि वो छोटी गंडक गांव के एक दरिया हिमालय पहाड़ से निकलती है। हाँ। और वो हमारे गांव से गुजरती है। उसे गांव का नाम क्या था? मेहरौना घाट। अच्छा, मेहरौना घाट। अच्छा, उस दरिया को का आधा पानी बिहार का है और आधा पानी वो बॉर्डर है वो। अच्छा, आधा पानी हमारा है। ठीक है, हाँ। तो हमारा बिहार का कल्चर भी कुछ मिला हुआ है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हम बिहार से कल्चर हमारा मिलता नहीं। तो है, गांव में खेती बाड़ी करते थे वालदेन? हाँ, क्या मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे वालिद मजदूर थे कानपुर में जूट मिल में। अच्छा। तो वो पीरियडिकली जाते थे, और घर जब मैं ज़रा होशियार हो गया तो घर मेरा ही संभाला था। एक छोटी सी ज़मीन का ज़मींदार था मैं, और मैं खेती गृहस्थी का हर काम अमली तौर पर किया हूँ और जानता हूँ। अच्छा जी, और पढ़ाई भी? जी पढ़ाई भी। तो गांव में किसान और इतने लोग जो थे गरीब लोग, पढ़ाई भी करते थे, स्कूल भी जाते थे? हाँ, हमारे पहले मेरे ख्याल के 3 या 4 आदमी मैट्रिक पास किए थे, जो वक्फा एक 4-5 साल का था। अच्छा, हम उनकी तालीम को है उस पर हम लग करें। अच्छा अच्छा, हाँ। ये बताइए उस ज़माने में क्या, हम लोग तो बाद में पैदा हुए, हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते कि टीवी भी नहीं था, बिजली भी नहीं होगी। उस ज़माने के गांव की कोई बात करें ना, कैसा घर था, क्या रहन सहन था? मैं समझा नहीं। उस जमाने में आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम? वो मेरे यहाँ एक अखबार आता था। हाँ। मोहम्मद रसूल भाई हमारे थे। हाँ। वो ड्राइवर थे, वो मदीना अखबार एक आता था। अच्छा, बिजनौर से निकलता था। तो अखबार तो मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन उनकी बातें बैठ करके सुनते उनते थे। वह आपके जो वालिद चचा और दूसरे लोग थे वहाँ पे, वो सब खेती बाड़ी करते थे? जी, सब खेती बाड़ी करते थे। बाहर में कुछ मजदूर थे कलकत्ता में, कुछ थे और एक आदमी खेती बाड़ी करता है। खेती ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, यूँ समझिए 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन थी। बड़ी कसीर आबादी है वहाँ हर। तो जब आपने नहीं, उस ज़माने में जब आपने होश संभाला, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना? जी, अंग्रेज़ों की थी। कुछ याद है आपको इन हिंदुस्तान में क्या था? हिंदुस्तान में जब ये 47 में कांग्रेस जगह जगह
हुकूमतों नुकसान पहुंचाती थी। वो देहात में भी वाकयात होते थे, लेकिन देहात में कोई सरकारी चीज़ तो थी नहीं, सिर्फ कच्ची सड़क थी और उस पर कच्चे पुल बने हुए थे ईंट के, गारा नहीं था बल्कि सुर्खी दे के बनी थी, ईंट को पीस करके और उसकी थपाई होती थी अमाउंट गार, समझ रहे हैं। आप किसी जलसे में गए कभी कांग्रेस के किसी मुजाहरे में, जलसे में? लाल में जलसा हुआ था नेहरू का, उसमें गया था। अच्छा, जी जी अच्छा। और मुस्लिम लीग का भी जलसा लाल ही में हुआ था, स्कूल की पीरियड की बात बता रहा। अच्छा, तो वहाँ भी मैं गया था, नेहरू आए थे और मुस्लिम लीग के जलसे में अलीगढ़ के स्टूडेंट्स आए थे, हमारे गांव में भी आए थे। अच्छा, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये कहते हैं कि शक्कर और दूध मिला करके हम एक साथ हो जाएंगे, देखिए रंग नहीं बदलता है, दूध ही दूध रहता है, तो आप देखिए उसमें शक्कर का पता क्या चलता है। अलीगढ़ के लड़के कहते थे कि शक्कर का पता कहाँ चलता, आप भी शक्कर बनाते हैं और वो दूध बनते हैं, तो शक्कर का पता कहाँ जाए, जब हिंदुस्तान में आप मिल जाएंगे उनको वोट देंगे तो आपकी हस्ती कहाँ रहेगी, वो चीनी की होगी कि कहीं नाम और निशान नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग वाले कहते थे ये? मुस्लिम लीग के लोग ये कहते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किसी बड़े लीडर को देखा आपने वहाँ? नेहरू को देखा था। अच्छा, यही हाल है कुछ। स्कूल में क्या बात होती थी? स्कूल में तो ज्यादा मुशारे की तरफ जाते थे, जिगर वगैरह आते थे। अच्छा, जिगर आते थे, सारे बड़े बड़े वहाँ वो शायर आते थे। अच्छा, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सेहर नहीं, जिगर का ये शेर है। हाँ, वाकिया एक आदमी थे हमारे सुनाते थे, हमारे वालिद सुनाते थे जी। एक अंसारी साहब थे, वो बूढ़े हो गए थे, कहा थे सन 57 की जंग में, आज़ादी की जंग में फलां जगह ये 3 मील पर एक जगह थी, कहा कि यहाँ तसादुम हुआ था। अच्छा, अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों का, जिसमें सारे लोग थे, तो इतने लोग मारे गए थे कि टाल लगी थी हड्डियों की। तो वो ये अंसारी जो है ना, ये बिजनेस शुरू किए थे, ये हड्डियाँ कलकत्ता ले जाते थे ट्रेन से, गाड़ी से, और वो पीस करके वो लोग खाद बना करके खेतों में डालने के लिए। इंसानी हड्डियाँ थे ये। अच्छा, देखा नहीं मैं बहुत बच्चा था, सुना, लेकिन हमारे वालिद हमको बताते थे कि फला जगह 3 मील पर हमारी बॉर्डरी पर ये हड्डियाँ पड़ी हुई थी वहाँ, और वो उसी की बिजनेस किए और ट्रेन से भेजते थे, और कलकत्ता में ये भी बताते कलकत्ता में उसको पीस करके। जब आप छोटे थे तो उस जमाने में शादी ब्याह की रस्म कैसे होती थी गांव में? हाँ, शादी दूसरे गांव से दोपहर में। देहात के लोग हाँ 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना आराम करते हैं। अच्छा, इसमें फुर्सत होती है और इस फुर्सत में ही शादी ब्याह सारा काम होता है। अच्छा, अब ये नवंबर दिसंबर तक, जनवरी तक खेती में ही लगे, उसके हल चलाना और खुदाई करना और ये करना, उसको लेबल करना, पीस करना, उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो फरवरी में मटर ये तैयार हो जाता है। अच्छा, सबसे पहली फसल मटर की होती है। अच्छा, अब मटर की कटाई होती है, फिर मटर के दाने निकाले जाते हैं, और उसके बाद गेहूं और जौ की कटाई होती। छोटे छोटे खेत थे, बैलों को उन पर चला करके भूसा बनाते थे, उससे दाना निकालते थे। माल बेचते कहाँ थे जी? सामान माल कहाँ जाता था ये? वो अपने ही खाने को होता था। अच्छा, बमुश्किल। अच्छा,
छोटा सा था सिर्फ। जी जी। अच्छा, पूरे इलाके का यही हाल था। अच्छा। कि किसी तरह पेट भरते थे और नहीं, जाड़े में 2 महीना फाका होता था। वाकई? जी जी जी, फाका होता था। चंद यूँ समझिए कि 5-10% के अलावे बाकी लोग फाका ही करते थे। और फाके में ये था कि फाका बिल्कुल फाका नहीं है, चना एक मुट्ठी ले लिया, भून करके खा लिया, और गुड़ का शरबत बना करके पी लिया, दिन गुजर गया। अरे ये जगह। अच्छा। और उस ज़माने में ये ज़्यादा कसरत से छपरा में होता था, बिहार में। अच्छा। तो अमेरिका से वो आते थे भुट्टा। अब भुट्टे की शक्ल तो मुझे मालूम है और ले जाना है। भुट्टा हथौड़ी से तोड़ा जाता था, बड़े बड़े दाने थे। तो उसमें मुझे याद है, कहते थे कि ये सुअर के दाना उन्होंने पकाते हैं, वहाँ बनाते हैं। अच्छा। और उनको हमारे हमारे भेजते हैं। तो वो मैंने देखा हमारे घर में भी, हमारे चचा के यहाँ ऐसा ही होता था। आता था तो कूटते थे, कूट करके नमक डाल के पका दिया, बच्चे चारों तरफ घेर कर बैठे रहते थे। बहुत गुर्बत थी, बहुत गुर्बत थी। नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने आंगन में देखा है। हिंदुस्तान में उस जमाने में बहुत गुर्बत थी। और आए भी अपने आंगन में देखा, उनके कसीर बच्चे थे हमारे चचा के, और यही उनका हाल है। हमारे यहाँ ये था कि हमारे वालिद मजदूर करते थे और बच्चे कम थे, तो ये कि रोटी चल जाती थी जौ की। ऐसा किसी खास इलाके में था या पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान के नहीं, बात छपरा और ईस्टर्न यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जी जी। तो वहाँ पे इतनी गुर्बत थी, तो पढ़ाई वगैरह कैसे करते थे स्कूल में? पढ़ाई में देते थे लोग, जो बाहर कमाते थे उसको पैसा कुछ मिलता था, 50-60 रुपया महीना या 40 रुपया महीना, उसी में से बच्चों के लिए देते थे। लेकिन बच्चे पढ़ने में 10-11 बच्चे हमारे गाँव के पढ़ते थे हमारे साथ बस। अच्छा। और करीब करीब 200 की बस्ती, 200 के घर। और स्कूल भी दूर होगा, पैदल जाते? हाँ, पैदल जाते थे हम 6 मील। 6 मील पे स्कूल? 6 मील जाते थे। मैं पैदल, जूता देखने को नहीं मिलता था। नंगे पैर? नंगे पैर जाते। चप्पल भी नहीं? बिल्कुल सब नंगे पैर जाते। और सोने का हुआ, पैर धोते भी नहीं थे, खेत से आए या कहीं से आए, ऐसे ऐसे झाड़ लिया, मगरिब के वक्त खाना खा लिया था या मगरिब के पहले, और उसके बाद बाहर या खलिहान में, घर में नहीं सोते थे, बाहर गए मैदान में जाकर। और डॉक्टर के पास जाना हो, हॉस्पिटल? और डॉक्टर कहाँ, डॉक्टर कहाँ, कौन डॉक्टर? एक छोटा सा हॉस्पिटल था लार में, जो 5 मील पर था, डॉक्टर माथुर उसमें था, हाथी के जैसा। तो कौन पूछा था, हम तो जानते नहीं थे कि क्या। उसमें गए, बाग में गए, अम्मा ने कहा कि बरियारा नोच के ले आओ, बुखार है तुम्हें। तो बरियारा पत्ते ही होते थे, नोच के ले आते थे, उसको पीस करके पिला दिया, बुखार चला गया। अच्छा। हमारे तो नीम का जो ये है डंठल है, पत्ती जिसमें होती है उसकी जड़ ये होती थी, इसको पीस करके गरम करके पीस करके, और लोहा को गरम करके उसमें पघार देते थे। तो हमारे अब्बू बताते हैं कि वो भी अपने गांव से 9 मील दूर पैदल स्कूल जाते थे। तो हमें तो बहुत दुख होता है सुन के, हमारे बुजुर्ग बहुत तकलीफ में बचपन गुजारे। हम 5 मील जाते थे, 5-6 मील। लेकिन फिर भी उस जमाने के लोग ज्यादा नेक, सादा, मेहनती, पढ़ाकू, इतने टफ हालात में भी। हाँ जी जी थे। तो आप लोगों को स्कूल के अलावा जो ट्रेनिंग मिलती थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी तो था? जी जी। चचा मामा ये तो करे वो करे, है ना? ना तो वो जो 6 महीना मिलता था, हाँ, उसमें शादी ब्याह कटाई हो, मेहमानदारी रजाई पीठ पर बांधा चले, अच्छा। 2-3 दिन 4 दिन मेहमानी में रहे, फिर वहाँ से आए, यही काम था उसके बाद। अच्छा। फिर अपने काम में लग गए। तो उस जमाने में बिजली वगैरह तो नहीं थी घरों में? बिजली का तो कहीं पता नहीं था। अच्छा। बिजली का पता,
आपको मैं ताजुब करेंगे, 18 जब तक इस पाकिस्तान में नहीं आया अंगूर नहीं देखा था। अच्छा सुना था। हाँ, हमारे टीचर बताते थे कि ये खाने से 100% खून बनता है। अच्छा। ये अंगूर जो है मैंने देखा नहीं। अच्छा। अमीर लोग देखे होंगे तो खाते होंगे, लेकिन लेकिन मैं जिस देहात में था नहीं। अच्छा, तो वो जो स्कूलों में सिलेबस थे आपका, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडो पाक की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आप लोगों के किताबों में क्या था? जना किताब तो है मेरे पास, आज भी है। अच्छा। मेरे पास किताबें हैं, वो मुझे बड़ी इंटरेस्ट है उसमें। क्या पढ़ते थे, क्या था सिलेबस? ऐसे थे इंग्लिश किताब जो इंग्लैंड की थी, है ना, राइटर राइटर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ और दो चार आदमी, और वैसे मैंने गुलिस्तान भोसा भी पढ़ी, ज़्यादातर हिंदू भी पढ़ी। थाना पुलिस तो होगा ये, थाना पुलिस था और स्ट्रीट क्राइम वगैरह? नहीं, क्राइम नहीं, कोई क्राइम नहीं, ना थाना पुलिस भी नहीं, कोई जो कभी कभी राउंड करने। अच्छा जाए आप, हो गया बस। अच्छा, हिंदुस्तान से जो आपकी यादें हैं, तो बाद में जब आप चले गए ईस्ट पाकिस्तान या इधर आ गए, दोबारा कभी जाने की ख्वाहिश हुई? हाँ, यहाँ आए थे सर्विस के लिए, सर्विस नहीं मिली, पैसे ख़त्म हो गए, 300 रुपये लेके आए थे और 3 जोड़े कपड़े लेके आए थे, वो फटने लगे, तो मैं वापस वो चला गया, पैसा भी ख़त्म हो गया, वापस इंडिया चले गए। इंडिया चले। अच्छा। फिर दोबारा फिर इस पाकिस्तान गए, फिर आ गए, मेरे एक अजीज़ मिल गए वहाँ, कस्टम इंस्पेक्टर थे। अच्छा। उनके पास आए तो वो घुमाते रहे लोग इधर उधर, कहीं नहीं मिले, बस रेलवे नहीं, पाकिस्तान बनने के वक्त आप लोग ईस्ट पाकिस्तान नहीं गए, वहीं रहे इंडिया में। जी, ठीक है। लेकिन बाद में लोग आते जाते थे, तो पासपोर्ट वीज़ा के बगैर जाते थे ईस्ट पाकिस्तान, पासपोर्ट वीज़ा नहीं था? नहीं था। था? जी था, पैसे दिए, 5 रुपये दिए, चले गए। अच्छा। और काफ़ी लोग जाके ट्राई करते थे, और अगर सेट नहीं हुए तो वापस इंडिया बाहर आ गए। और उस वक्त आप वैसे के भी आसानी थी, एक वीज़ा मिलता था, 8 दफ़े आप विजिट करें, कहीं आप कोई एंट्री नहीं करने के, ए क्लास था बॉर्डर के लोगों को, बी क्लास था 8, और मलेरिया को तो मिलता नहीं था। तो जहां आप थे छपरा में, वहां से ईस्ट पाकिस्तान कितनी दूर था? 300 मील था। 300 मील, ज़्यादा दूर तो नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपको नक्शा दिखा देता जी, बस में जाते थे, ट्रेन में जी? ट्रेन में या बस में? नहीं, ट्रेन थी गोरखपुर से चले लखनऊ से चलती है। तो जब यहाँ आ गए, और जाहिर है बहुत अरसा हो गया हिंदुस्तान में, वहाँ आपके लोग अभी भी हैं इंडिया में? हैं, कम से कम एक बहन मेरी है। अच्छा, रहता है आपस में? जी जी, टेलीफोन नहीं रहता। अच्छा, कभी आप लोग गए उधर दोबारा? यहाँ से जाए, वीज़ा नहीं दिया, वीज़ा नहीं मिला, वो लोग भी नहीं आए कभी? नहीं, वो इतने गरीब आदमी आए, मुश्किल होता है। अच्छा, हालात। तो आपके जो बचपन के दोस्त थे स्कूल के, गांव के, वो सब लोग किधर हैं? हाँ, मेरे दो साथी तो यहीं आए थे, एयरफोर्स में थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और उधर मलिर की तरफ कुछ लोग हैं अभी। तो जब आप थे वहाँ पे छपरा के करीब, जिस गांव का नाम क्या बताया आपने? मेहरौना घाट। हाँ, वहाँ से किस क्लास तक पढ़े, मैट्रिक किया आपने? मैंने, हाँ मैंने मैट्रिक किया था। किया था? हाँ। उसके बाद पढ़ाई नहीं की? उसके बाद नाइट कॉलेज में लिया था। अच्छा। इम्तहान तक बैठे नहीं, बस इंटरमीडिएट के कॉमर्स में लिया था। तो आपकी मैट्रिक की तालीम इतनी काफ़ी थी कि अभी तक आप सारा अकाउंट्स और अंग्रेजी? जी जी जी, अल्लाह के फजल से मैं स्टेटमेंट अखबार लेता था कलकत्ता से जो निकलता था। अच्छा। डिक्शनरी लिया था, लेके गए थे, मैं यही मुताला करता था उधर अखबार पे अंग्रेजी। बाद में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गया आपका? नहीं नहीं, अब शादी ब्याह हो गई तो। और उस मैट्रिक की तालीम पे कौन कौन सी पोजीशन पे काम किया, कहाँ कहाँ किया पाकिस्तान में? अभी मेरे बच्चे 5-6 तो इंजीनियर हैं बच्चे, अब होते होते हो रहे हैं। आप किस शोबे महकमे में थे? हा? किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे आप? रेलवे में था मैं। रेलवे में? कहाँ तक पहुँचे? नहीं, वो चलिए, एक सिटी स्टेशन है ना। हाँ। 23 साल तो मैं यहीं नहीं कर रहा,
वो क्लेम सेक्शन। अगर आपको मौका मिले और वीजा मिल जाए इंडिया का और आपके पास टाइम भी हो पैसा भी हो तो इंडिया कहाँ कहाँ घूमना जाना चाहेंगे आप? मैं तो देखिए रिश्तेदारी मेरी इलाहाबाद में भी है, बनारस मेरी ससुराल है, और गोरखपुर ज़िला अपना कानपुर रहा हूँ मैं, और हमारे वालिद ने कहा कि ये ज़मीन हमारे बसने लायक नहीं है, छोटी सी ज़मीन कब तक हम ये तंग रहते, कहीं निकलो बाहर। तो मैं अभी उस वक्त 18 साल का था तो मेरे गांव के 2-3 आदमी कह के चलो जंगल कहाँ गए, नेपाल की बॉर्डर पर। अच्छा। जंगल में अच्छा। दो महीना थे वहाँ, खेती की रस्सी का कि क्या होता है वहाँ करके देखा, खेती की रस्सी भी करके देखा, लेकिन नेपाल करीब है, बॉर्डर पर था, बॉर्डर था। तो आप लोग के पास चूंकि ज़मीन कम थी तो आप लोग नए अपॉर्चुनिटी के लिए आगे पीछे ट्राई किए। जी जी, मौका नहीं मिला कुछ? हाँ, मौका यही मौका मिला था बस। वैसे वो पूरी हमारे वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे, प्रीफर करते थे कि पंजाब बसने की जगह है। अच्छा। पंजाब बसने की जगह है, वहाँ जाने की कोशिश करो। ये इंडिया वाला पंजाब मशहूर? हाँ, अमृतसर, ये लाहौर। अच्छा, वो पंजाब तो हमारे कोई मशहूर है। तो आपने ट्राई किया जनाब? वो खेती, चिड़ियाएँ आती थी चुग जाती थी, सुअर आते थे उखड़ लेते थे, गायें आती थी लाखों की तादाद में। अच्छा। एक तो नहीं ला, तो वहाँ लाखों की तादाद जानवर आते, वो टिकने की जगह नहीं थी, जंगल के बीच में एक मैदान, बहुत बड़ा मैदान था, उसी को खेती बनाने का ख्याल था, लेकिन वो जानवर चारों तरफ से, हर किस्म के जानवर, शेर भी आते थे, शेर की आवाज़ तो सुनी है मैंने। अच्छा। जी जी, वहाँ से तो मैंने हिंदुस्तान में इतनी वक्त गुजारा, कभी खून नहीं देखा। अच्छा जी। और न सुना। अच्छा। डाकू पकड़े जाते थे, मारते थे, लेकिन जान से नहीं मारते, जख्मी करके दिया, पड़ा होगा। अच्छा। जान से आपस में गोली मारना, ये करना, गोली का तो सवाल, हमारे पास तो बल्लम थे, लाठी थे, गणा। आप लोग गांव में खेल कूद क्या करते थे, टाइम कैसे पास करते थे? कोई जगह नहीं थी, सड़क थी जो कच्ची सड़क, वो आसाम जाती है पंजाब से लेकर ग्रैंड रोड, वहाँ से गुजरी है। अच्छा। हाँ, बड़ा आज भी उस पर बसें चलती तो हैं। गांव में तो बहुत फालतू टाइम होता है, खेलने कूदना वर्जिश करें। वही सड़क थी। हाँ। सड़क पर वो छतरी देखे हैं अपना? हाँ, हाँ। छतरी, छतरी का डंडा देखे हैं? हाँ। वो मोड़ा रहता है, वो हॉकी का। वही हॉकी, उसी से लकड़ी बना करके वही। हाँ। या गोली डंडा खेलते थे। हाँ। ये जो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। ये उसी को इसलाह किया हुआ है, उसी अंग्रेजों का है। और धूप में खेल रहे हैं, मैं खेल। लेकिन शबाज साहब, गांव में शादी भी जल्दी हो जाती है, लड़का जरा सा बड़ा होगा शादी कर दें, क्या मसला है वहाँ में शादी का? अच्छा। वहाँ हमारे इलाके में लड़की वाला मूव नहीं करता। अच्छा जी, कत्ता ही नहीं मूव करे, लड़के वाला जाता है देखने के लिए। हाँ। तो यहाँ भी लड़के वाले जाते हैं ना? लड़के वाले का उल्टा पाई दिया। अच्छा, अच्छा, मैंने उल्टा के लड़की वाले देखते। अरे जी। अच्छा। लड़के वाला ने कहा कि भाई लड़के वाला जा आया है, क्या इसकी शादी नहीं हो रही है, कोई पूछता नहीं है इसे, भगाओ इसको। लड़की वाले जाते थे, हमारे यहाँ ये है, आज भी मैं इसकी तायीद करता हूँ, लड़की वाला जानता है कि हमारी बेटी के लिए कौन मुनासिब लड़का। ठीक है। अब यहाँ तो करते हैं, गैर मुनासिब शादी होती है जी, लड़की चली जाती है। तो शादी कितनी उम्र में होती थी आप लोग उस वक्त? शादी मेरी लोगों की, लड़कों की 20 साल उम्र, ये 20-25 के दरमियान ही हो जाती। और एक एक घर में 10-10, 8-8 भाई बहन, हर का घर है, ले 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 ले। अच्छा। एक कमरा बना दिया, शादी हुई कमरा बना दिया। और खाना पीना एक साथ? हाँ, खाना पीना। मेरी बहन, दो छोटी बहनें थीं बलिया में, ये घाघरा दरिया, घाघरा के करीब
65 आदमी थे उसके घर में, 65 आदमी रहते थे घर में थे। तो वो कहती थी हमारी बहन तो मर गई एक जिंदा है, कि तीन औरतें बैठती थी लोहिया बनाने के लिए, लोहिया समझते हैं आटे का पेड़ा, हाँ पेड़ा, हाँ हाँ, ये बनाने के लिए, और तीन ही बैठती थी बेलने के लिए। अच्छा। और तीन चार चूल्हे चलते थे उनको सेकने के लिए बेलोटे वगैरह, तब 65 आदमी का खाना बनता था। अच्छा। और उसके बाद अगर चावल बनाना है तो वो देख, अच्छा देख में चावल बना। अच्छा। तो आपस में कोई तनाजा पैदा होता था तो गांव एक कोई... मालिक रहता था, एक अच्छा। बाप घर का और घर में माँ, ये इन चार वो बैठे गए, बर्तन ले आओ खाने का बर्तन ले आओ, तो घर वाली औरतें अपना अपना बर्तन लेके जाने, पांच बच्चे हैं हमारे, पांच का खाना निकाल दे जैसे ले जाओ, हम दो बच्चे हैं हमारे, दो बच्चों का खाना निकाल के दिए, अपने कमरे में चली गई। इस तरह से। अच्छा, जबरदस्त। और गांव में अगर कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा होता था तो कोई चौधरी होगा, कोई बैठक होगा, ये वो मस्जिद थी हमारे यहाँ, वहाँ बैठ करके शिकायतें होती थी। अच्छा। और बाहर एक दरख्त था, वहाँ बैठ जाते थे भाई, वहाँ शिकायत सुनते थे। अच्छा। तो वो लोग गांव के जो खुशहाल चंद लोग थे वो बैठ जाते थे, कुछ पढ़े लिखे थे, वो फैसला वाला कर। आपकी शादी कब हुई, शादी कब हुई और कैसे हुई? शादी मेरी एक बहन बलिया में भी आई थी, तो मेरे बहनोई ने मेरी शादी लगाई। अच्छा। बनारस से। अच्छा। बनारस में उनकी बहन थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक लड़की है, शादी करा दो। फोटो दिखाया उन्होंने, फोटो वगैरह नहीं कुछ नहीं, अंधी लड़की से शादी कर लेते थे, चली जाती थी। अच्छा। बाद में चाहे एलआईडी हो जाए, बहुत ही रहने के काबिल नहीं थी तो लोग छोड़ लेते, नहीं था वो तो मुझे शादी हो गई। हाँ। अच्छा। तो मुझे भदोही ले गए, भदोही जानते होंगे आप, भदोही जहाँ दुनिया का कालीन सबसे ज्यादा बनता है। अच्छा। और सबसे ज्यादा मशहूर है। अच्छा। और बनारस के पास है। अच्छा। तो वो अपने बहनोई जो भदोही ले गए, कालीन का काम करते थे, तो वहाँ ले गए, तो वहाँ से अपनी गाड़ी, अपने मालिक की गाड़ी बनाया, बनारस ले गए। मैंने कहा मैं दिखाने नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ ये रसम नहीं है। कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें दूसरी जगह बैठाएंगे, दूसरी जगह ले गए वहाँ पर, लेकिन दूसरी जगह ने डायरेक्ट वहीं यहाँ शादी। अच्छा। तो वो लड़की थी यतीम, माँ बाप नहीं थे, मामू उसके वो मुख्तार थे वहाँ। अच्छा। मुख्तार किबरिया। ठीक है। और यहाँ नसीम साहब को जानते हैं, उसके जमात इस्लामी के। जी जी। नसीम सिद्दीकी साहब जानते हैं जी, वो मेरे हम जुल्म के पोते हैं, सगे। अच्छा। अच्छा। बस वहाँ गए मैं। हाँ। तो वहाँ शादी उदी की बात हुई, तो चले आया मैं। फिर वो लड़की शिया थी। अच्छा। तो मैं तो नहीं जानता था शिया, वो लड़की ने इनकार कर दिया कि हम इस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा। कैसी थी, गोरी थी, काली थी, काली। अच्छा। तो मुझे कहा गया कि एक लड़की जो तुम्हारे सामने से गुजरी है वो स्कूल से जा रहे, उससे कर लो। अच्छा। तो दस बजे मैं पढ़ा हुआ, लेकिन मालूम हुआ कि ये ना तो माँ बाप, ना माँ है इसकी ना बाप, ये गैर के यहाँ पली हुई है, वो किबरिया मुख्तार हैं विशेषरगंज में, उनके पले। तब तो मैं तैयार हो गया। अच्छा। उससे शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं चला आया इस पाकिस्तान लेकर के। बाद में पहले तो हिंदुस्तान में रखा घर पर अपने, लेकिन शहर की लड़की देहात में कहाँ, और घर में हमारा कोई नहीं था, वालिद साहब थे, बहनों की शादी हो गई थी, और माँ का इंतकाल सन। देखिए, आप तीन मुल्कों में रहे, बचपन एक जगह,
फिर आप वहाँ जाके सेटल हुए, वहाँ लाइफ शुरू की, फिर वो मुल्क टूट गया, इधर आ गए और अब यहाँ रह रहे हैं। तो इस उम्र में जैसे आपको अपनी पुरानी यादें तो आती होंगी, आपकी फीलिंग क्या होती है कि यार मेरा वतन छूट गया? आज भी ख्वाब में घर आता है, नजर आता है। मेहराना घाट का घर आज भी आता है, वो दरिया में नहाना आज भी आता था। सुबह के घुसते थे दरिया में गर्मियों में और शाम को औसत के वक्त निकलते थे। आदमी जहाँ पैदा होता है वो जगह भूल नहीं सकता है। नहीं ना, मोहब्बत होती है उस जगह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत चले तो पलट पलट के देखते थे मक्के को, मदीने जाके भी मक्के को देखते थे। मोहब्बत होगी ना अपने इलाके तो हर आदमी को होती है, आपको भी है, घर मोहल्ला सब याद है। आपने देखा कि 90-92 साल इनकी उम्र है और इनकी याददाश्त देखिए, और इनकी यादों के साथ साथ ये उस ज़िंदगी को भी इतनी तफसील के साथ याद करते हैं और एक बहुत मुश्किल बचपन गुजारा कि बताते हैं कि उस इलाके में 6 महीने फसल होती थी, 6 महीने नहीं, और किस तरह लोग मुश्किल दिनों को उसमें भी पढ़ाई की और मैट्रिक तक तालीम हासिल की और उसको अपने शौक से आगे बढ़ाते हुए, और एक मिसाल है हम लोगों के लिए कि हम लोग निस्बतन बहुत अच्छे माहौल में और आसान माहौल में भी रहते हुए बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और बहुत क्वालिटी की एजुकेशन भी नहीं लेते, और जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत की है और वक्त गुजारा है, अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को भी